हाय गाइस, वेलकम टू सिंग्स चूल्हा चौका। आज हम लोग बनाएंगे सूजी के गोलगप्पे, होममेड गोलगप्पे। आटा लगाने के लिए गोलगप्पे का एक बाउल सूजी, 1/4 बाउल ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। अब हम लोग एक परात ले लेंगे आटा लगाने के लिए, उसमें जो हमने सूजी लिया था वो डाल लेंगे और उसमें अच्छे से ऑयल डाल देंगे जो हमने निकाला था। सूजी का 1/4 पोर्शन ऑयल होना चाहिए और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लोगों ने ऑयल और सूजी को अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हल्का सा कोसा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। गुनगुना पानी रखना, ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए। अब इसको हम गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के अच्छे से मल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सूजी का 1/4 कप हम लोग को ऑयल लेना है और पानी गुनगुना होना चाहिए। और सूजी आप लोग की बारीक होनी चाहिए, मोटी सूजी मत लेना। देखिए, हम लोग ने आटा लगा लिया है। जब इतनी कंसिस्टेंसी पे आ जाए तब इसको एक गीला कपड़ा लेके, सूती कपड़ा लेके और उसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब इसको सूती कपड़े, गीले सूती कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से पानी सोख ले। अब हमारे आटे को आधा घंटा हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। हम लोग ने आटा निकाल लिया, अब इसको फिर से थोड़ा सा मिला लेंगे। इसको हम लोग ने आधे घंटे बाद दोबारा से एक बार मसल लिया है। अपने आटे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको 2 या 3 भाग में डिवाइड कर ले। मैं 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। अब हम लोग एक भाग को ऐसे अच्छे से लेके पटक पटक के उसको अच्छे से मसल लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से स्मूद हो जाए। आप देख सकते हैं कितना चिकना हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लेंगे। ज्यादा गोलियां बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी छोटी। अब हमने दूसरे भाग के आटे को भी अच्छे से मसल के और दोनों भाग के आटे की सारी गोलियां बना के रख ली हैं। अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। आइए बेलना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और मोटा रखना है। और आपको बेलते वक्त ध्यान रखना है कि वो सारी तरफ से बराबर होना चाहिए। देखिए इतना मोटा होना चाहिए। ऐसे ही हम अपनी सारी पूड़ियां बेल लेंगे। ऐसे ही आप अपनी सारी पूड़ियां बेल के रख लें। और जब तक हम पूड़ियां बेलेंगे तब तक एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दें। अच्छा खौलता हुआ तेल होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम अपनी पूड़ियां इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि अच्छे से फूल रही है। इसको अलग पलट के अच्छे से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है और कितना अच्छा कलर आ गया है। जब इस कलर की हो जाए तो आप निकाल लें। देखिए गाइस, हमारे गोलगप्पे तैयार है। कितने अच्छे फूले फूले दिख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। सो गोलगप्पा चाट बनाने के लिए गोलगप्पे ले लें। अब इसमें मसाले की स्टफिंग्स डाल दें। स्टफिंग डालने के बाद इसमें दही डाल लें। दही में थोड़ा सा चीनी डाल के आप पहले से ही मिला लें, क्योंकि दही खट्टा होता है, ज़्यादा चीनी ना डालें। अब इसमें दही डालने के बाद थोड़ा थोड़ा हरा चटनी डाल दें। अब हरी तीखी चटनी के बाद थोड़ी सी हम मीठी चटनी डाल देंगे। अब थोड़ा सा जीरा मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया, ये ऑप्शनल है, और लास्ट में थोड़ी थोड़ी सेव। हमारी दही की चाट तैयार है। इसको खाइए और मजा उठाइए। सो गाइस, हमारे गोलगप्पे और गोलगप्पा चाट रेडी है। आप इसे पानी के साथ भी खा सकते हैं। तो पानी का वीडियो मैं अंडर लिंक में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इसको ट्राई कीजिए चाट की फॉर्म में, पानी के साथ, जैसे भी आपको मजा आए। सो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल सिंग्स चूल्हा चौका को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू गाइस।